ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवान के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये उस कॉलेज का कॉलेज रिव्यू है और मैं बहुत सारी बातों को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। आपको बता दें कि ये कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के थ्रू चल रहा है दोस्तों। ये कॉलेज है जो सिवान रेलवे स्टेशन से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर में स्थित है। और दोस्तों इसका जो कैंपस है वो अर्बन और रूरल दोनों टाइप की है। और सबसे पहले आपको बता दें कि एक कॉलेज रिव्यू है वो हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल के थ्रू कराया जा रहा है, जिसे आप लोग विजिट कर सकते हैं youtube.com/शिवम ट्यूटोरियल पे। दोस्तों आप देख सकते हैं इस कॉलेज का जो मेन बिल्डिंग है वो इस तरह का है और बिल्डिंग बहुत ही शानदार बनाया गया है। कैंपस ज़्यादा पुराना नहीं है तो लुक काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। कैंपस आपको बहुत पसंद आएगा और न्यू कॉलेज है तो आपको ये अच्छे बिल्डिंग के साथ इसका कैंपस भी अच्छे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इस तरह का यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्थापना पर, तो इसकी स्थापना 2018 में हुआ था। और इसकी जो कैंपस एरिया की बात करें तो वो कैंपस है जो टोटल 4 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। कैंपस इसका परमानेंट है और जो इसका कंट्रोल है वो अंडर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के थ्रू चलता है, यानी जो सर्टिफिकेट है वो इसी के थ्रू मिलता है और जो इसका एग्ज़ाम वगैरह है वो सब यही कंडक्ट SBTE बिहार के थ्रू करवाया जाता है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोस्तों। उसके बाद में हम ब्रांच और इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ टोटल 4 ब्रांच की पढ़ाई होती है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। तो दोस्तों सारे ब्रांच में 60-60 सीट पर यहाँ एडमिशन मिलता है। और दोस्तों यहाँ की हॉस्टल की बात करें और कैपेसिटी की, तो यहाँ एक भाजी ने वहाँ कैंपस को विजिट किया था और तो उन्होंने बताया कि यहाँ बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है दोस्तों। कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्स बॉयज़ के लिए 300 कैपेसिटी है और गर्ल्स के लिए 100 कैपेसिटी है दोस्तों। उसके बाद हम कॉलेज में जो अवेलेबल फैसिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, तो कॉलेज में आपको कंप्यूटर लैब मिल जाएंगे, लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी जहाँ आपको आपके सिलेबस के अनुसार बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जाकर फ्री में बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर बुक लाकर घर पे भी या सॉरी रूम पे भी या हॉस्टल में ले जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कॉलेज में वर्कशॉप बनाए गए हैं, हॉस्टल और मेस की सुविधा कॉलेज में दी गई है, कॉलेज में वाईफाई है। उसके बाद में गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, ई लर्निंग के लिए आपको कंटेंट अवेलेबल है। और दोस्तों ट्रेनिंग और प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए यहाँ जो कोशिश है वो कॉलेज के द्वारा की जा रही है दोस्तों, यानी कि बहुत जल्द कॉलेज में जो प्लेसमेंट है वो भी शुरू होगा। अभी कॉलेज न्यू बना हुआ है तो अभी ज़्यादा कुछ कॉलेज में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर आने वाले समय में बहुत जल्द ये डेवलप कर जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ एक और जो फैसिलिटी है वो स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत यहाँ बच्चों को स्किल सिखाया जा रहा है, ताकि जो उनका प्लेसमेंट है और अगर स्किल आपके पास होगा तो आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज में है दोस्तों। उसके बाद सब एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ स्किल डेवलपमेंट मिशन जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका उसके बाद स्वयं है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ आप फ्री ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल से अप्रूवल है, तो उसके थ्रू जो भी नोटिफिकेशन या फिर रूल्स रेगुलेशन है वो कॉलेज में फॉलो किया जाता है दोस्तों। हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में DCEC एग्ज़ाम के थ्रू होता है दोस्तों। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जाम एंट्रेंस कम्पटेटिव एग्जामिनेशन DCEC के नाम से यहाँ एग्ज़ाम होता है और उसी के थ्रू यहाँ जो एंट्रेंस है वो मिलता है और इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा और आपको डिग्री मिलेगी दोस्तों। उसके बाद हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो फी है वो इस तरह का फी बिहार के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में फॉलो होते हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं एडमिशन फ़ी रखा गया है वो 5 रुपये पर सेमेस्टर वो लगता है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी है वो भी 5 रुपये पर मंथ लगता है। उसके बाद स्टूडेंट डेवलपमेंट फ़ी, सारे स्टूडेंट को 1,000 रुपये लगते हैं, चाहे वो जनरल हो, SC ST हो, DQ हो, गर्ल्स कैंडिडेट हो, सबको उतना देना होता है दोस्तों। उसके बाद कोजन मनी है वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए रिफंडेबल होता है, 1 टाइम लगता है, वो सारे स्टूडेंट को 200 रुपये देने होते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड के लिए 80 रुपये पर सेमेस्टर लगते हैं, तो दोस्तों 1 साल का आपको 160 रुपया दोनों को लगते हैं। उसके बाद में 1 टाइम कोर्स है डिप्लोमा का, तो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 500 रुपये देना होता है। उसके बाद में दोस्तों जो बोर्ड एग्जामिनेशन का फ़ी है यानी यूनिवर्सिटी का फ़ी है, तो वो आपको
1,000 रुपये और 700 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको 1,000 रुपये लगते हैं, तो पूरे 2 सेमेस्टर का 2,000 रुपये, और जो 750 रुपये लगेंगे वो SC ST DQ कैटेगरी और गर्ल्स स्टूडेंट को 750 रुपये लगते हैं पर सेमेस्टर, तो उनको 1 साल में 1,500 रुपये देने होते हैं एग्ज़ाम का फ़ी। दोस्तों उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टूडेंट इंश्योरेंस का फ़ी होता है, तो वह 60 रुपया पर सेमेस्टर लगते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं टोटल जो फ़ी है वो जनरल OBC वाले को 3,990 रुपया एनुअली आपको देने होते हैं, तो फ़ी कुछ ज़्यादा लगते नहीं हैं। और दोस्तों बात रह गई पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी लगभग ठीक ठाक है यहाँ पे। आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, यानी कि आपको क्लास करना ही करना होगा। और दोस्तों कॉलेज में फैकल्टी सब अवेलेबल हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करवा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक हैं, वो उन्होंने कॉलेज को निरीक्षण किया है। और दोस्तों प्लेसमेंट से रिलेटेड अभी डाटा कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि अभी प्लेसमेंट किसी का शायद हुआ नहीं है, तो मुझे कहीं से कुछ मिला नहीं, न स्टूडेंट से कोई जानकारी मिली, न ही कुछ वेबसाइट से जानकारी मिली, न ही कुछ न्यूज़पेपर से जानकारी मिली। तो दोस्तों मैं प्लेसमेंट आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि नहीं मुझे जानकारी है और नहीं अभी तक शायद किसी का हुआ है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।